प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बेगूसराय के पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल का कहना है कि यह देश कहाँ जा रहा है। दलित समाज खासकर उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार, दरिंदगी, क्रूरता की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यूपी हाथरस की एक दलित बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ वहशीपन, दरिंदगी और जो क्रूरता की गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई, वे इसकी घोर निंदा करते हैं। निर्भया कांड से भी ज्यादा भयावह यह कांड है। यहाँ का प्रशासन पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के बदले उनको धमका रहे हैं कि मीडिया में अगर जाएंगे तो जनता चली जाएगी, बाद में केवल हम और तुम ही रहेंगे। कितनी शर्मनाक बात है। पुलिस प्रशासन कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। पुलिस ADJ कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। जब यह रिपोर्ट मनीषा वाल्मीकि की मृत्यु के पहले आई थी तो मृत्यु के बाद यह बयान देना गैर जिम्मेदाराना और शक के घेरे में आता है। मनीषा वाल्मीकि के मरने के बाद रात्रि 2:30 बजे परिवार की इच्छा के विरुद्ध उसे जला दिया जाना एक शर्मनाक घटना है। हिंदू रीति रिवाज का कोई भी कार्य रात को नहीं करने दिया गया। प्रशासन क्या छुपाना चाहता है? सरकार और प्रशासन दोनों ही इसमें शक के घेरे में है। इसमें CBI की जांच की जानी चाहिए और दोषियों को फांसी देने की कार्रवाई की जानी चाहिए। मनीषा वाल्मीकि के परिवार को 2 करोड़ रुपयों का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। वीडियो कुछ करो। आप जाइए ना। अरे मोदी तेरी ताना सही नहीं चलेगी। जो हाथरस में ये घटना घटी है, आप लोग इस रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा देश किधर जा रहा है, खास करके दलित समाज और उनके बहू बेटियों के साथ जो दरिंदगी हो रहा है, जो क्रूरता हो रहा है, जो बहसीपना हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, यह काफ़ी निंदनीय है और ये घटनाएँ बहुत बढ़ रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए? मनीषा वाल्मीकि जो एक गरीब दलित परिवार से आती है, उसके साथ यह निंदनीय जो घटना हुई है उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। उसके साथ जो ये दरिंदगी हुई, जो अत्याचार हुआ और जिसके कारण उसकी मौत हुई, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ।
और यह निर्भया कांड से भी भयावह कांड है। सरकार ने एसआईटी जांच के लिए गठित टीम कर दिया, 7 दिनों के भीतर वो अपनी टीम भी रिपोर्ट दे देगी, क्या आपको लगता है विश्वास है न्याय मिलेगा मनीषा को? देखिए, एसआईटी जांच के पहले हम कुछ तथ्य को बताना चाहेंगे कि डीएम साहब पीड़िता के परिवार को कहते हैं कि तुम और हम यहाँ पर रहेंगे, कि जितना मीडिया वाले और जनता तो चले जाएंगे, ये कितनी शर्मनाक बात। कोरोना का भी हवाला दिया गया है उस परिवार को। कोरोना का भी दिया गया, लेकिन कोरोना खुद पुलिस लोग उसके घर पर सैकड़ों हजारों की संख्या में, वहाँ कोरोना नहीं है। और जब कोई मीडिया वहाँ जाता है, अभी देखिए आपको प्रतिमा मिश्रा वहाँ गई और मनोज अधिकारी, उनको तो मैं सल्यूट करूँगा कि उनको भी कितना धक्कम धुक्की किया गया, लेकिन वो अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर किस अधिकारी का के इस पर आप हमको करें। कोई पुलिस वाले जवाब नहीं दे रहे हैं। 144 का बताते हैं तो बोले कि क्या हम 144 में हम अकेले जा रहे हैं, अकेले पैदल आए हैं, क्या हम 5 आदमी के साथ बेसी हरबो हथियार के साथ आए हैं? तो मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि डीएम साहब तो कह दिए कि साहब हम यहाँ पर रहेंगे और मीडिया वाले तो चले जाएंगे, यह कितनी शर्मनाक बात है, वो दबाव बनाना चाहते हैं। और तो और पुलिस अधिकारी ADJ जो पुलिस अधिकारी, वो कहता है कि इनके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट आई। तो मेडिकल रिपोर्ट जब 15 दिन जब मर गई, मृत्यु हो गई उसकी, उसके बाद आज कह रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। मेडिकल उसके पहले क्या था, पहले क्यों नहीं? इसमें साफ लग रहा है कि इसमें कुछ छुपाया जा रहा है और वो लोग उनकी संदिग्धता पर वो लोग सब के दायरे में है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और आप जो बोले SIT का गठन, ठीक है SIT का गठन हो ये अच्छी बात है, लेकिन SIT के गठन के नाम पर आपको अभी देखिए